नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपसे कुछ देर पहले ब्रेकिंग खबर आई थी और ये खबर को एक बार फिर से सबसे पहले ब्रेक किया था लाइव सिटीज ने। सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी ने आपको बताया था कि कैसे प्रशांत किशोर का दांव उल्टा पड़ गया है। उन्होंने आपको बताया था कि अब प्रशांत किशोर उम्मीदवार बदलने पर विचार कर रहे हैं। देखिए, आपको मालूम है कि कुछ दिनों पहले जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पटना में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बता दिया था कि आखिर प्रशांत किशोर का पहलवान तरारी से कौन होने जा रहा है। आपने देखा था कि प्रशांत किशोर ने वहां पर लेफ्टिनेंट जनरल एस के सिंह पर भरोसा किया था। आपने देखा था कि उनको प्रशांत किशोर ने अपना उम्मीदवार बना दिया था, लेकिन सुबह सुबह लाइव सिटीज ने आपको बताया है कि एस के सिंह तरारी से उम्मीदवार शायद ना हो। प्रशांत किशोर के वजह क्या थी वो भी आपको लाइव सिटीज ने बताया था। आपको हमने बताया था कि तकनीकी कारणों की वजह से प्रशांत किशोर को उम्मीदवार बदलना पड़ सकता है। एसके सिंह का नाम बिहार की मतदाता सूची में नहीं है, जिस वजह से प्रशांत किशोर को उम्मीदवार बदलना पड़ सकता है। देखिए, एक और खबर लाइव सिटीज ही ब्रेक करने जा रहा है। आपको बता दें कि अब कई नामों की चर्चा हो रही है। प्लान बी पर भी अब जन सुराज विचार कर रहा है और जिस शख्स का नाम सबसे आगे चल रहा है उस शख्स का नाम है घनश्याम राय। जी हाँ, घनश्याम राय। आपने देखा था कि जब पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो वहां पर भी घनश्याम राय सबसे आगे बैठे हुए थे। उन्होंने भी बताया था कि मेरी भी सहमति एसके सिंह के नाम पर है, लेकिन अब जब तकनीकी कारणों की वजह से मामला अटक सकता है तो अब प्रशांत किशोर घनश्याम राय को तरारी से उम्मीदवार बना सकते हैं। तो ऐसे में लाइव सिटीज ने भी अभी अभी एक्सक्लूसिव बातचीत की है घनश्याम राय से। क्या कुछ कह रहे हैं वो, सबसे पहले आप उनको सुनिए। नमस्कार घनश्याम जी, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटीज से। जी नमस्कार। घनश्याम जी, खबर आ रही है कि प्रशांत किशोर को उम्मीदवार बदलना पड़ सकता है, बिहार की मतदाता सूची में एसके सिंह का नाम नहीं है, इस खबर में कितनी सच्चाई है? देखिए, इसकी सच्चाई हमको ऑथेंटिक रूप से अभी नहीं है, लेकिन हाँ, उल्टी खबर मेरे पास आई है। कई पत्रकारों ने भी इस मामले में संपर्क हमसे किया है, उनको जानकारी है कि उनका नाम नहीं है। और जिस दिन प्रशांत जी ये घोषणा कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लेकर के एस के सिंह को हम उम्मीदवार अपना बना रहे हैं, तो उस दिन भी जब हम लोग लौट करके और उनके शेखपुरा हाउस पर आए, हम वहाँ जहाँ पर आपके मिश्रा जी भी थे जो बक्सर से चुनाव लड़े हैं, तो वहाँ पर भी ये चर्चा हो, तो उनके वोटर लिस्ट की बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा मेरा नाम नोएडा में है, वोटर लिस्ट मेरा नोएडा में है। जी जी। तो हम लोग ने सोचा कि नोएडा में हो सकता है कि वोटर लिस्ट हो या वोट कार्ड हो, लेकिन अभी हमको पता चला एक घंटा पहले कि उनका नाम यहाँ के मतदाता सूची में नहीं है। यदि उनका मतदाता सूची में नहीं है तो चुनाव आयोग का जो चुनाव लड़ते हैं उनको मालूम होना चाहिए कि एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए प्रदेश के किसी भी कोने में उनका नाम होना चाहिए वोटर लिस्ट में, तभी वो चुनाव लड़ सकते हैं। और जहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं, यदि तरारी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहाँ से उनका प्रस्तावक चाहिए। तो प्रस्तावक तो चलिए मिल सकता है उनको, किसी आखिर रहने वाले तो हैं तरारी के प्रखंड के करत के ही, इसमें कोई बात बात नहीं है। लेकिन यदि उनका नाम यहाँ नहीं है तो हमें पूरी उम्मीद है कि वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। बिल्कुल, ऐसी स्थिति में प्रशांत जी को कैंडिडेट तो बदलना ही पड़ेगा। वैसी स्थिति में प्रशांत किशोर को कैंडिडेट बदलना पड़ेगा। और आप कह रहे हैं कि जिस दिन ये अनाउंस हुआ था उसी दिन जब आप लोग शेखपुरा हाउस लौटे थे तो वहाँ पर ये चर्चा हुई थी? जी जी जी, कि वहाँ चर्चा हुई थी, वोटर लिस्ट पर चर्चा हुई थी। अच्छा, एसके सिंह जी ने खुद ही बताया था कि बिहार की मतदाता सूची में उनका नाम नहीं है प्रशांत के सामने? नाम नहीं बताया, तो उन्होंने बताया कि मेरा वोटर लिस्ट नोएडा में है, माने वोटर कार्ड मेरा जो है नोएडा में है। तो इस पर प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा? उनका संबंध
गांव में मेल रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं, तो हो सकता है कि हाँ उनका ड्यूटी हो, वहाँ पर अपना वोटर आई कार्ड अपना बनाए होंगे या वोटर लिस्ट में नाम चढ़वाए होंगे। वैसे ही स्थिति में यदि नाम उनका तरारी के जो उनका गांव है वहाँ नहीं होगा, ठीक है, तो चुनाव लड़ने में हमको लगता है कि वो सक्षम नहीं हो पाएंगे। नहीं हो पाएंगे, बिल्कुल ग्रहण लग गया है इस पर। अच्छा ये बताइए कि जब उन्होंने ये बात प्रशांत किशोर के सामने कही तो प्रशांत किशोर ने क्या कुछ जवाब दिया था, क्या कहा था उन्होंने? देखिए ये प्रशांत किशोर जी सामने थे, वहाँ पर आनंद मिश्रा जी भी थे, आपके जो बक्सर से चुनाव लड़े हैं जी जी, जन सुराज के बड़े नेता हम लोगों के हैं। तो लेकिन आज अब हमको पता चला है कि उनका नाम यहाँ के मतदाता सूची में नहीं है। तो यदि मतदाता सूची में नहीं है तो स्वाभाविक ही ग्रहण लगेगा जी, चुनाव लड़ने पर ग्रहण लग सकता है उनको। बिल्कुल बिल्कुल, तो घनश्याम जी, लेकिन इसलिए कि ये चुनाव जब भी होगा तो जो 2020 का जो मतदाता सूची तैयार होगा उसी मतदाता सूची के आधार पर होगा, और ऐसे अंतराल में हो सकता है कि चुनाव आयोग इनका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने पर सहमति दे दे। अब वोटर लिस्ट नाम हमेशा चलता रहता है, तो यदि जुड़ जाती है तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं चढ़ पाएगा तो नहीं लड़ पाएंगे, समय कम है। चलिए बिल्कुल, समय बहुत कम है, लेकिन एक और चर्चा हो रही है घनश्याम जी, चर्चा ये हो रही है कि अब प्रशांत किशोर कैंडिडेट बदलने पर भी विचार कर रहे हैं, और जिसका नाम सबसे आगे चल रहा है उनका नाम है घनश्याम राय जी, यानी कि आपका नाम सबसे आगे चल रहा है, क्या वाकई में ऐसा है? मेरा नाम इसलिए चल रहा है कि हमारी पत्नी यहाँ सहार से 2-2 बार जिला पार्षद रही है। क्या नाम है उनका? मीना कुमारी जी। जी मीना कुमारी जिला पार्षद है, 2 टर्म से यहाँ जिला पार्षद है, और इस क्षेत्र में हम लोग जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं हम लोग। हमने पार्टी पॉलिटिक्स और पब्लिक पॉलिटिक्स में हमने फर्क किया है, हम पब्लिक के बीच रह करके काम किया है। पार्टी की राजनीति अपनी जगह पर रहती है, और जो लोग पब्लिक के बीच में रहते हैं उनकी जनाधार जमीन से जुड़ी होती है, हम जमीन पर काम करने वाले लोग हैं, इसलिए हम लोग का नाम यहाँ से प्रस्तावित रूप में उनके पास गया था। सब जगह से उन्होंने उसकी जांच पड़ताल की थी, और पड़ताल करने के बाद उनको लगा था कि घनश्याम राय जी हमारे लिए सफिशियंट और सबसे कुशल कैंडिडेट हमारे सराड़ी विधानसभा के होंगे, इसलिए उन्होंने मुझे बुला करके और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने साथ ले गए थे। साथ ले गए थे, लेकिन फिर आपका जो नाम था उसे छाट दिया गया था और मौका दिया गया था एसके सिंह जी को, इसलिए छाट दिया गया था जी। उसमें हमने भी सहमति दी थी, हमें लगा था कि हमारे क्षेत्र में एक लेफ्टिनेंट जनरल जो एक काबिल व्यक्ति है, जो हम जन सुराज खोजते चल रही है काबिल व्यक्ति, वो सामाजिक भी है, और दूसरी चीज वो लेफ्टिनेंट जनरल है तो उस पद के हमारी तुलना में एज ए गार्जियन भी है, मेरी उम्र से वो 1.5 गुने हैं, मेरे पिता के तुल्य हैं, और वैसे व्यक्ति यदि समाज की सेवा करना चाहते हैं तो यदि हमको पिता भी मानते हैं तो मेरा पुत्र का यह धर्म बनता है तो हम उनका साथ दें, इस आधार पर हम तो उनका साथ देने की। अच्छा घनश्याम जी एक बात बताइए, अभी आपने काबिल का जिक्र कर लिया तो क्या घनश्याम राय खुद को काबिल नहीं मानते हैं? देखिए काबिल जो अभी उनका जो मापदंड है उनका काबिल का, अभी तो आप सब जगह देखिए जो कैंडिडेट दे रहे हैं उनकी काबिलियत का और अपने शामिल कर रहे हैं उस काबिलियत में उनका पॉलिटिकल चेहरा कम, सोशल चेहरा ज्यादा, और उनकी काबिलियत वो एजुकेशनल दृष्टिकोण से लेते हैं। घनश्याम राय जी की काबिलियत क्या है, कितने पढ़े लिखे हैं? घनश्याम राय जी LLB है, लॉ किए हैं, अच्छा, पटना हाई कोर्ट में हम 3-4 साल तक प्रैक्टिस भी किए हैं, और मेरी पत्नी को जब हमने चुनाव लड़ाया तो चुनाव जीत गई तो हम समाज के प्रति समर्पित व्यक्ति हैं, हम पूरी तरह पे समाज में पूरा समय दिया और लोगों की सेवा में आज तक लगा हूँ। अच्छा एक बात बताइए, आपका तो डॉक्यूमेंट तैयार है ना, बिहार की मतदाता सूची में घनश्याम राय का नाम है ना, कि यहाँ पर भी पंगा फंसेगा? मेरा नाम मतदाता सूची में है, मैं भोजपुर जिले के सहार प्रखंड के गुलजारपुर पंचायत के अनुआ गांव का रहने वाला हूँ, जहाँ मेरा वोटर लिस्ट में नाम अंकित है, और मेरी पत्नी का भी नाम अंकित है, मेरे पूरे परिवार का नाम अंकित है, हम लोग चुनाव लड़ते रहे हैं और हमेशा ऐसे डॉक्यूमेंट हमेशा हम लोग के पास तैयार रहते हैं। डॉक्यूमेंट हमेशा तैयार रहता है। प्रशांत किशोर का फोन आया कि नहीं, उन्होंने आपसे बात विचार किया कि नहीं? अभी तक
अभी तक हमसे संपर्क नहीं किए हैं। हाँ। और यदि संपर्क करते हैं तो हम उनके निर्देश का पालन करें। निर्देश का पालन कीजिएगा। एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए घनश्याम जी, आपको लगता है कि प्रशांत किशोर का दाव जो है वो अभी से उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ग्रहण लगता हुआ दिखाई दे रहा है उनके फैसलों पर? नहीं, देखिए ग्रहण लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए कहीं भी बात होती है, प्रत्याशी का वो चयन कर रहे थे, प्रत्याशी चयन करता है, ये प्रत्याशी को भी सोचना चाहिए, बताना चाहिए कि हमारा मतदाता सूची में नाम है या नहीं, मेरा और भी डॉक्यूमेंट है जो मेरा फिक्स है कि नहीं है, ये चलिए प्रत्याशी को तो सोचना चाहिए, लेकिन प्रशांत किशोर इतनी बड़ी गलती, इतनी बड़ी चूक कैसे कर सकते हैं? नहीं, ऑप्शन खड़ा है, लेकिन इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? फजीहत हो रही है हर तरफ। ठीक है, हम मानते हैं उस बात को, हम उसको चूक नहीं मानते हैं। आप चूक नहीं मानते हैं? हम चूक नहीं मानते हैं उसको, प्रत्याशी को, अभी जो खुद को प्रत्याशी बनने जा रहा है जी, तो उनको ये बात को, अब हो सकता है कि वो लेफ्टिनेंट कर्नल लेफ्टिनेंट है, जनरल लेफ्टिनेंट है, हो सकता है उनका ड्यूटी अलग रहा हो, इतने छोटे छोटे चीजों पर शायद उनकी नजर न गई हो। चलिए चलिए, ठीक है ये बताइए लगता है कि आपको मौका दिया जाएगा तो तरारी उपचुनाव में आप दिखा दीजिएगा दम, जीत जाइएगा आप? देखिए कोई भी चुनाव में जाता है वो जीतने के लिए जाता है, और जितना तक दम है वो अपनी दम की पूरी शक्ति का इस्तेमाल करता है। हम अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करने को यदि उनका निर्देश होगा तो हम पूरी शक्ति का इस्तेमाल करेंगे, और इस्तेमाल कर करके अब हम आपको रिजल्ट जो है, हम वो नेता वाले भाव में बोलते हैं, ठीक है, जीत रहे हैं 500 सीट पर जीत रहे हैं और आ रहा है 200 सीट। हाँ। हम इतना जरूर बोलेंगे, मेरी टक्कर होगी तो किसी से एक सीधी टक्कर होगी, वो हमारा माले होगा। अच्छा, माले से सीधी टक्कर होगी, यानी कि आप कह रहे हैं कि एनडीए लड़ाई में ही नहीं है, सुनील पांडे के बेटे लड़ाई में ही नहीं है? जब मैदान में हम आ जाएंगे तो एनडीए के जो प्रत्याशी हैं वो बाहुबली के पुत्र हैं, ठीक है, उन पर वंशवाद का आरोप लग रहा है जी, और वो हमसे बहुत ज्यादा पीछे चले जाएंगे। आपको मालूम है ना कि कितने बार वहाँ से जीत चुके हैं सुनील पांडे, मजाक नहीं है घनश्याम जी। मालूम है कि एक बार जीते हैं और दो बार हारे हैं, यानी कि आप कह रहे हैं कि लड़ाई ही में नहीं है, लड़ाई में ही नहीं है, आजमाइश वहाँ क्यों नहीं करते हैं? चलिए चलिए, जानकारी होना चाहिए जी, जी। इनके भाई उल्लास पांडे विधान परिषद का चुनाव हार गए, बिल्कुल बिल्कुल, इनके एक भाई मुखिया का चुनाव हार गए, ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि आप बेटे भी हारेंगे, बेटे हारेंगे, आप ये कह रहे हैं कि लड़ाई में ही नहीं है? एकदम हारेंगे, यदि मैं चुनाव में आ जाऊंगा, मैदान में आ जाऊंगा, हाँ। तो वो हमसे पीछे जाएंगे। चलिए कितने मतों से जीतिएगा, कितने मतों से, कितने मतों से घनश्याम जी, कितने मतों से जीतिएगा? आखिरी सवाल, मतों की गिनती का काम मतगणना केंद्र पर होता है, हम मतों की गिनती की बात नहीं करते हैं, ये हम हवा में बोलने वाली बात नहीं, लेकिन दम दिखा दीजिएगा आपको कि हम उनसे आगे रहेंगे, आगे रहिएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं घनश्याम राय? देखिए उन्होंने भी इस बात पर मुहर लगा दी है, बता दिया है कि जी हाँ, तकनीकी कारणों से मामला फंस सकता है और ऐसा बहुत मुमकिन है कि वहां पर प्रशांत किशोर को उम्मीदवार बदलना पड़े, यानी कि घनश्याम राय वहां से उम्मीदवार हो सकते हैं। क्या कुछ राज खोल रहे हैं वो भी आपने देखा है, और साफ साफ कह दिया है कि अगर मैदान में घनश्याम राय आ जाता है तो जन सुराज की जीत पक्की है, पक्की है, पक्की है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।